अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएचएनआई भंडारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे क्या इस पे हमारी एंट्री अभी भी पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो जीएचएनआई का हम डे चार्ट देखते हैं। डे चार्ट के हिसाब से भंडारा इंडस्ट्रीज ने जो अपना हाई लगाया था, ये तकरीबन इसने 7 दिसंबर को अपना हाई लगाया था जो कि 199.8 था। तकरीबन 200 का इसने हाई लगाया और उसके बाद इसमें काफ़ी गिरावट हुई। और अगर देखा जाए कितनी कितना नीचे आया तो हम ये एक अंदाजे के हिसाब से भी लगा सकते हैं, तकरीबन इसमें 25 से 26% इसकी प्राइस डाउन हुई, यानी एक अच्छी करेक्शन कह सकते हैं पोटेंशियल फर्दर अपसाइड के लिए। तो तकरीबन 25% इसमें 25 से 26% इसमें गिरावट हुई। और अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो ये तकरीबन इसने देखें EMA 20 से अगर ये सपोर्ट लेता हुआ जाएगा तो ये कंटिन्यूसली अपना अप ट्रेंड बनाएगा। इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई, इसने EMA 20 ब्रेक किया और EMA 50 से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन 20 से दोबारा रिजेक्ट हो गया। और फिर ये तकरीबन इसने अपना जो डे चार्ट की जो फर्स्ट सपोर्ट थी यहाँ पे जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं 145 के पास है, इससे ज़रा सा ऊपर से इसने सपोर्ट ली, 148 पे इसने लो बनाया और यहाँ से ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट काफी नीचे भी गई थी इन दिनों में लेकिन ये इसने ये वाला जो जोन है ये इसे सस्टेन करा। MACD देखें तो MACD इसका इंतहाई पॉजिटिव नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि इसका जो सेलिंग प्रेशर था वो तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन इसमें नजर आ रही है। RSI देखें तो RSI जब ये नीचे आया था तो ये काफी ओवरसोल्ड हो गई थी, तकरीबन 40 के पास या 40 से नीचे थोड़ा सा ये हो गई थी। चैकिन ऑसिलेटर की बात करें तो चैकिन ऑसिलेटर बहुत करीब आ गया है इसकी बाई कॉल जनरेट करने से, तो इट मीन्स कि ओवरऑल मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अब बात यह है कि इसकी जो जो सबसे बेस्ट बाइंग थी वो ऑब्वियसली 148 के पास थी, लेकिन इसमें जो मजीद पोटेंशियल अपसाइड नज़र आ रही है ये बहुत ऊपर है, तो मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 200 के पास इसको जाना चाहिए। तो मेरा जो GHNI का टारगेट है वो तकरीबन 200 है और हो सकता है इससे मजीद ऊपर जाए जो कि 207 या 225 के पास है। तो खैर मैं तो इसका जो पहला मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ वो 200 है। अच्छा, इसमें आप एंट्री कैसे लेते हैं? इसमें एंट्री आपको दो तरीके से लेनी है, मतलब कि एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बना के दे रहा हूँ इस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं। अभी देखें कि इसका जो अप ट्रेंड था ये क्लियरली अपने अप ट्रेंड में था और जब इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ और इसका जो अप ट्रेंड था अर्ली चार्ट पे वो डाउन ट्रेंड बन गया। तो लेकिन अब ये मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसके जो कर्व्स हैं वापस अप ट्रेंड पे जा रहे हैं और आप ये देखें कुछ आवर्स में इसने ये सस्टेन करने की कोशिश करी है ये वाले जो इसके कर्व्स थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से कर्व वापस पलट रहे हैं और इनकी जो डायरेक्शन है ये वही हो जाएगी दोबारा EMA 20, 50, 100 और 200 इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये अपना अप ट्रेंड में दोबारा आ जाएगा अपने अर्ली चार्ट पे। डे चार्ट पे तो ये अपने अप ट्रेंड में मौजूद है, तो अर्ली चार्ट में अगर ये अपने अप ट्रेंड में आ जाएगा इट मीन्स ये आइटम इंतहाई बुलिश हो सकता है। तो आपको एंट्री कैसे लेनी है? ये एक पोटेंशियल एंट्री का पॉइंट हो सकता है 165 से 168 के दरमियान, करंट वैल्यू में भी आप ले सकते हैं। अच्छा, आप इसको सेफ साइड, आप इसको दो लेवल पे इसको बाय करें, एक तो आपने करंट लेवल पे बाय किया, दूसरा आपको जो बाय करना है वो यही वाला लेवल है 145 के पास आप इसको बाय करने की कोशिश करें। तो आपको ये जहन में रखना है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करूं, लेकिन फॉर सेफ साइड आपको दो लेवल में बाइंग करनी है 168 के पास और आपको 145 के पास या 148 के पास आपको सेकंड बाइंग करनी है, इस तरह से कि आपका एवरेज 160 155 के दरमियान आ जाए। तो इसका अगर मैं एक एक ट्रेंड लाइन में इसकी ड्रॉ करूं तो इसकी एक तकरीबन इसकी इस तरह से एक ट्रेंड लाइन, एक मैं रफ सा ड्रॉ करता हूँ तो ये तकरीबन इसकी बन रही है एक ट्रेंड लाइन। और अगर मैं नीचे से ड्रॉ करूँ तो ये लग रहा है कि इसने अपने ट्रेंड लाइन पे जो सपोर्ट ली है, इसने ऊपर जो रेजिस्टेंस दी है यहाँ पे रेजिस्टेंस दी है, तो ये मजीद इसकी जो रेजिस्टेंस है अगर ये इसी पैटर्न पे चलता है तो ये कोई इधर ऊपर जाएगा जो कि वही अगेन 200 का लेवल है। तो वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि 200 तक इसको टच करना है और इंशाल्लाह ये टच करेगा, मार्केट पॉजिटिव है और ऑटो सेक्टर पूरा इंतहाई बुलिश होने वाला है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोग अवेल कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।